गाइस, मेरे लॉन्ग टाइम व्यूअर्स जो भी आप में से हो वो जानते होंगे कि जब भी 10,000 रुपीज में बजट ऑटोमेटिक वॉच या आपकी फर्स्ट ऑटोमेटिक वॉच की बात आती है, देन माई प्रेफरेंस और माई चॉइस हैज ऑलवेज बीन दिस. दिस इज द सेको SNK A05K1 इन दिस ब्यूटीफुल सनबर्स ब्लू डायल. इसका एक ब्लैक वेरियंट भी आता है, व्हाइट भी आता है, इसका एक रोमन न्यूमरल्स का वेरियंट भी आता है. पहले मैं एल्बा वॉचेस भी रिकमेंड करता था बजट में, लेकिन पिछले 6 महीने में मुझे खुद को 2 प्रॉब्लम्स और मेरे जान पहचान में 3 लोगों को उनकी वॉचेस में ना भयंकर क्यूसी इश्यूज आए. और गैस इसी 10-15 हजार के बजट में टाइटन और टाइमेक्स भी घड़ियां बनाते हैं, लेकिन वो जो घड़ी आपको देते हैं, 10,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट? इस पैसे में भी वो आपको जो घड़ी देते हैं उसका जो मेन मूवमेंट रहता है, जो घड़ी का दिल रहता है, घड़ी की जान रहती है, वो उनकी खुद की बनाई हुई नहीं रहती है. मियोटा करके एक मूवमेंट आता है सिटीजन का, जो कि जापानीज मूवमेंट है, जो कि अच्छा है, ठीक है, वो उसको खरीद के लगा के दे देते हैं. मतलब कट पेस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला जॉब है इसमें. अब मेरा फंडामेंटल डिसोनेंस इस बात से है कि यार, अगर आपका काम ही घड़ियां बनाना है, अगर आप अपनी 50 साल की 100 साल की हेरिटेज की कोट अनकोट बात करते हो और आपसे खुद का मूवमेंट नहीं बनाया जा रहा, तो आप क्या ही कर रहे हो लाइफ में. तो 10,000 रुपए में भी अगर मुझे इनहाउस मूवमेंट नहीं मिल रहा है तो मैं इतना पैसा क्यों लगाऊं यार. 5,000 के अंदर मैं इस टाइप की बेनियार की होमाज वॉचेस ले लूंगा. लेकिन टाइमेक्स की ऑटोमेटिक वॉचेस जो 10,000 रुपए की आती थी, वो ऑफ लेट पिछले कुछ महीने से फ्लिपकार्ट के अंदर 5,000 रुपए के आसपास मिल रही है. नाउ द स्टोरी चेंजेस. 5,000 रुपए में अगर आपको टाइमेक्स जैसे ब्रांड की ऑटोमेटिक वॉच मिल रही है विद अ मियोटा मूवमेंट, साउंड्स टू टेम्पटिंग टू लेट गो. इसलिए गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाइमेक्स की ऑटोमेटिक वॉच विच कम्स विद अ मियोटा मूवमेंट, एंड आई हैव गॉटन दिस वॉच फॉर ओनली 5,100 रुपीज. क्या प्रोज है, क्या कौन से लेनी है नहीं, पूरा हिसाब किताब इस वीडियो में करेंगे. लेकिन टाइमेक्स स्केलेटन ऑटोमेटिक वॉच को अनबॉक्स रिव्यू करें उसके पहले कस्टमरी क्विक रिस्पॉन्स चेक. ऑटोमेटिक वॉचेस की बात हो रही है, इसलिए आज मैं पहना हूं हम सबकी प्यारी, हम सबकी चाहती हमारी अपनी Tissot PRX Powermatic 80 इन दिस ब्यूटिफुल ग्लेशियर ब्लू डायल. आप पूछते हो तो मैं बता देता हूं. तो इस तरीके का बॉक्स आता है, आप देख सकते हैं. दिस इज द TWEG2088MU04. गजब करते हैं भाई ये कंपनी वाले. 10,495 रुपए की MRP है. तो चलिए गाइस, टाइम टू रिवील. लला, ये रही हमारी घड़ी गाइस. इसको साइड में रख देते हैं. अब बॉक्स के अंदर आती है कुछ पुस्तकें, वारंटी कार्ड. पुस्तकें हमें पढ़नी आती है नहीं, इसलिए इस बॉक्स का काम हो गया है. तो अब इस बॉक्स को हम फेंक देते हैं. सो गाइस, दिस इज इट. दिस इज द टाइमेक्स स्केलेटन ऑटोमेटिक विद द मियोटा 8N24 मूवमेंट, विच कम्स विद अ 42 आवर्स ऑफ पावर रिजर्व एंड 21 जूल्स. एंड द बेस्ट पार्ट गाइस इज दैट इट कम्स विद दिस ब्यूटीफुल सिल्वर सनबर्स्ट डायल, विच इज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू लुक एट. लेकिन रिव्यू में आगे बढ़े उसके पहले टाइम टू क्विकली टेक अ लुक एट द स्पेसिफिकेशंस. अ केस डायमीटर ऑफ 43.5 mm, लग टू लग ऑफ अराउंड 50 mm, लग विथ ऑफ 22 mm, सो ऑल स्टैंडर्ड 22 mm स्ट्रैप्स विल फिट, एंड अ केस थिकनेस ऑफ 13 mm. ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अ फुल चंकी मंकी घड़ी. दिस इज हाउ इट लुक्स अगेन द सेको SRPD 59K1 इन दिस ब्यूटिफुल सनबर्स ऑरेंज डायल. नॉट अ फेयर कंपेरिजन एट ऑल गाइस, बट दिस इज हाउ इट लुक्स अगेन द HMT कोहिनूर इन दिस beautiful sunburst maroon dial. And lastly, a very unfair comparison, I know, but what the heck, this is how it looks against the G-Shock GA2100. Guys, अगर आपने मेरा Benyard Skeleton watch का review देखा होगा तो आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने उसमें कहा था that the fun of an automatic watch is when you are able to see the movement. And बहुत सारी घड़ियों में आपको घड़ी को flip करना पड़ता है to see the movement. लेकिन इस घड़ी में गाइस स्केलेटन मूवमेंट में आपको सामने से ही पहनते ही आपको इसका स्केलेटन मूवमेंट दिख जाता है. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसके बैलेंस व्हील, स्प्रिंग, गियर्स, नट बोल्ट्स में ना पूरी तरीके से ना इमर्स हो जाओगे. एंड जैसा मैंने आपको बताया था, दिस कम्स विद अ सिटीजन 8924 मूवमेंट, विच इज एन ऑटोमेटिक प्लस हैंड वाइंडिंग वॉच. तो अगर ये घड़ी बंद पड़ जाती है तो आप या तो इसे इस तरीके से घुमा के जान में ला सकते हो, एंड अगर आप घड़ी को पलटा के देखोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर ये रोटर है जो कि आपकी मूवमेंट से ही घड़ी को चार्ज कर सकता है, तो आपको इसको वाइंड करने की भी जरूरत नहीं है. एंड इसके ऊपर स्टिकर क्यों लगाए गाइस, हमारे होते हुए स्टिकर नहीं रह सकता. चलिए गाइस, द बेस्ट पार्ट अबाउट अ न्यू वॉच विच इज रिमूविंग द प्लास्टिक, साथ में निकालें. 3, 2, 1. दिस कम्स विद अ 50 meter वाटर रेजिस्टेंस, विच इज गुड फॉर स्प्लैशेस. अगर आप नल में हाथ वगैरह धोगे, पानी जाएगा तो कुछ नहीं होना चाहिए.
जो ओपन केस बैक घड़ियां होती हैं वो जनरली 100 मीटर्स के ऊपर जा नहीं पाती एंड मूवमेंट पे कोई खास कस्टमाइज डेकोरेशन की नहीं गई है। एग्जैक्टली मियोटा मूवमेंट द वे इट इज उसको इस तरीके से लगाया गया है। गाइस अगर मैं इसके केस मटेरियल की बात करूं तो वेबसाइट पे दे हैव मेंशन्ड दिस टू बी एज स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अगर मैं हेफ्ट की बात करूं और फील की बात करूं तो ये स्टेनलेस स्टील वाला फील दे रहा है, लेकिन मेरा एक डिस्कम्फर्ट है कि इसके ऊपर की जो पॉलिश है ना, शायद आप कैमरे में नहीं समझ पाओ बट रियल में ना काफी ज्यादा ब्लिंगी शाइनी पॉलिश है। ये पॉलिश ना ब्रास वॉचेस में ज्यादा देखी जाती है, स्टेनलेस स्टील वॉचेस में थोड़ी कम रहती है, बट जहां भी मैंने स्पेसिफिकेशंस चेक किए दे हैव मेंशन दिस टू बी अ स्टेनलेस स्टील। आई जस्ट फील पॉलिश इन्हें थोड़ा ज्यादा कर दिया है, स्टेनलेस स्टील में हल्का कम पॉलिश होता है ना तो ज्यादा क्लासी दिखता है। एंड इसके ऊपर का जो ग्लास है ना, दिस कम्स विद अ स्टैंडर्ड मिनरल ग्लासेस, नॉट एक्रेलिक, सफायर भी नहीं है। ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट पे आपको सफायर तो क्या ही मिलेगा। एंड अगर आपको इसमें टाइम सेट करना हो तो आपको इस तरीके से क्राउन बाहर निकालना है, कोई डे या डेट कॉम्प्लिकेशन है नहीं, जस्ट क्राउन को बाहर निकालोगे सो यू कैन सेट द टाइम। एंड जैसा आपने देखा, जैसे मैंने क्राउन को बाहर निकाला है सेकंड का कांटा रुक गया, विच मीन दिस कम्स विद अ हैकिंग फंक्शनैलिटी। इसमें आप सेकंड को हैक कर सकते हो, सेकंड को सेट कर सकते हो टू द लास्ट प्रिसाइस है, सो विच इज गुड। गाइस अगर ब्रेसलेट की बात करें, दिस कम्स विद अ स्टेनलेस स्टील ऑयस्टर ब्रेसलेट जैसा आप देख सकते हैं, जिसके सेंटर लिंक्स पॉलिश्ड है और जो साइड लिंक्स है वो ज्यादा ग्लॉसी है, ज्यादा शाइनी है, लेकिन इसके ऊपर भी प्लास्टिक लगाएगा। इस हमारे रहते हुए प्लास्टिक नहीं रह सकता है, कंपनी वाले समझते नहीं है। चलिए इसे भी हटाया जाए। स्टैंडर्ड 22mm लग तो आप कोई भी स्ट्रैप चेंज कर सकते हो टू योर लाइकिंग, सो दैट इज गुड। तो चलिए गाइस बातें बहुत हो गई, टाइम फॉर अग्नि परीक्षा, टाइम टू वेयर दिस वॉच ऑन आवर रिस्ट। सो गाइस दिस इज इट, दिस इज द टाइमेक्स स्केलेटन ऑटोमेटिक वॉच ऑन माय रिस्ट। And guys, trust me, this watch has an imposing wrist presence. Overall wearability में कोई tension नहीं है, this is quite a comfortable watch, so that is nice. Weight distribution अच्छा है, even है, and जैसा आप देख सकते हैं sunburst dial ना real में बहुत pretty लगता है. So guys, in a nutshell, I am a bit surprised. This Timex automatic watch has far exceeded my expectations. जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी है घड़ी। ज्यादा मेजर इसमें कुछ फ्लॉज मुझे दिख नहीं रहे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट इज अ वेरी बिग वॉच। मेरा टाइमेक्स की स्केलेटन वॉचेस से आज तक बैर ये था कि 10,000 रुपए में भाई मेरे को इनहाउस मूवमेंट चाहिए, 10,000 रुपीज इज नॉट अ जोक। लेकिन 5,000 रुपए में गाइस कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है। 5,000 रुपए के नीचे द ओनली गुड ऑटोमेटिक वॉचेज यू हैव आर होमाज वॉचेस। एंड बहुत लोग होमाज वॉचेस से दिक्कत है, ये काफी वॉच है। व्हाइल आई पर्सनली डू नॉट अग्री टू एंड पर्सनली मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो होमाज वॉचेस डंके की चोट में पहनता हूँ। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग थोड़े ब्रांड कॉन्शियस हो, 5,000 रुपीज के अंदर ये वॉच अगर आप लेते हो, इट्स अ ग्रेट बैंग फॉर बक, अ ग्रेट जॉब बाय टाइटन, वेल डन। प्राइस कम कर दी इनने एंड प्राइस कम की तो मेरे ध्यान में आई। सो गाइस दिस वाज द लॉन्ग अवेटेड रिव्यू ऑफ द टाइमेक्स स्केलेटन ऑटोमेटिक वॉच, द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑटोमेटिक वॉच फ्रॉम अ गुड ब्रांड टू बाय अंडर 5,000 रुपीज, उसके ऊपर नहीं खर्चा करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, दो बार डिसलाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर दो अब तक नहीं किया यार, बहुत वीडियोस आ चुकी है, बहुत आने वाली है। अच्छी वॉचेस में इन्वेस्ट कीजिए, क्लासिक टाइमलेस फन वॉचेस में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन स्मार्ट वॉच कचरों से दूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ।